बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लेक प्लेसिड। इस कहानी की शुरुआत में अमेरिका की कंट्रीसाइड के एक छोटे से राज्य को दिखाया जाता है, जहां पर एक प्लेसिड नाम की लेक है और इस लेक में नाव पर वाइल्ड लाइफ ऑफिसर अपने साथी के साथ होता है। इसके बाद वो स्कूबा डाइविंग करता है, जहां लेक के अंदर उसे बहुत अजीब अजीब सी चीजें दिखती है और तभी उसके पैर से कुछ चीज टकराती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो चीज उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। वो जल्दी से अपनी नाव की तरफ बढ़ना शुरू करता है, उसका साथी भी उसे देख लेता है और किसी तरह से उसे पकड़कर ऊपर खींचता है। लेकिन अब तक वो चीज जो उसके पैर से टकराई थी, जो कि एक खौफनाक जानवर है, वो उसके आधे शरीर के हिस्से को काट चुकी होती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर हैंक और उसके साथ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर जिसका नाम जैक है, वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं और डेड बॉडी की हालत देखकर समझ जाते हैं कि ये किसी बहुत बड़े पानी के क्रिएचर का काम है जिसने इसे मारा है। वही म्यूजियम में हम एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम केली है, जो धरती पर पुराने टाइम पर रहने वाले जीवों पर अध्ययन करती है। उसके पास उसका बॉस आता और बताता है कि यहाँ से बहुत दूर एक राज्य में एक आदमी को किसी ने मारा है, जिसकी बॉडी पर एक बहुत ही बड़ा दांत है। तुम्हें वहां जाकर अध्ययन करना होगा कि वो जानवर कौन सा है। और अब केली भी वहां पर पहुंच जाती है और जब वो उस दांत को देखती है तो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी बहुत ही बड़े क्रोकोडाइल का दांत है। और अब वो उसकी बॉडी को भी देखना चाहती है जिस इंसान को उस क्रोकोडाइल ने मारा था। हालांकि डॉक्टर उसे मना भी करते हैं, लेकिन उसके जिद करने पर वो उसे बॉडी दिखाते हैं और जब वो उसकी बॉडी की हालत देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इसके बाद जैक, हैंक और केली ये तीनों की तीनों झील के पास रहने वाली एक लेडी के घर जाते हैं। दरअसल इस झील के आसपास कोई भी नहीं रहता, सिर्फ यही रहती है। और जब ये इस बूढ़ी औरत से इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बताती है कि पहले मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, लेकिन 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। ये उससे पूछते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। बूढ़ी औरत कहती है कि मैंने खुद उन्हें मार दिया, उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे मुक्ति चाहिए। इन तीनों को लगता है कि ये बूढ़ी औरत पागल है और इसके बाद ये बोट से लेक का निरीक्षण करने के लिए निकल जाते हैं और तभी इन्हें वहां पर एक जानवर का कटा हुआ हिस्सा मिलता है, जिसे देखकर ये हैरान हो जाते हैं क्योंकि पानी के बीचों बीच कटा हुआ जानवर का इतना बड़ा हिस्सा अपने आप ही नहीं आ सकता। ये समझ जाते हैं कि इसके अंदर कोई बहुत ही विशाल जानवर है और अब ये तय करते हैं कि ये लेक के किनारे ही अपना कैंप लगाएंगे ताकि उस जानवर को देखा जा सके। यहाँ पर हेलीकॉप्टर से एक और प्रोफेसर आ जाता है जिसका नाम हेक्टर है और ये भी उस जानवर को किसी भी कीमत पर देखना चाहता है। इसीलिए अगले दिन ये चारों के चारों 2 बोट्स पर लेक के अंदर चले जाते हैं और जब ये लेक के बीचों बीच होते हैं तभी ये देखते हैं कि वहां पर छोटी छोटी मछलियां कूद रही है। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी पानी के अंदर से केले की बोट को कोई पलट देता है। इससे पहले कि वो जानवर केले को नुकसान पहुंचाता, केले को बोट पर खींचकर ये ऊपर ले आते हैं और अब ये सब के सब लेक के किनारे आ जाते हैं, जहां पर अब इन्हें इंसानों के कटे हुए अंग भी मिलते हैं। और हेक्टर जब एक अंगूठे को देखता है तो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है इस लेक के अंदर जो जानवर है वो एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल है। इसीलिए तय करते हैं कि लेक के चारों तरफ ये जाल बिछाएंगे और जाल बिछाने के बाद ये फिर से लेक के अंदर जाते हैं, जहां लेक के बीचों बीच जाने के बाद ये पानी के अंदर एक स्पीकर डालते हैं और स्पीकर से इस तरह की तरंगे, इस तरह की आवाजें प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि वहां पर बहुत सारी मछलियां हो, ताकि वो क्रोकोडाइल उस आवाज से अट्रैक्ट हो और इनकी तरफ आए और ये उसे देख ले कि वो कितना बड़ा क्रोकोडाइल है। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी वो वहां पर नहीं आता, इसीलिए प्रोफेसर हेक्टर तय करते हैं कि वो सूट पहनकर पानी के अंदर जाएंगे। हालांकि उन्हें सब मना भी करते हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनते और पानी के अंदर चले जाते हैं। ऊपर बोट में बैठे सभी लोग मॉनिटर से चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इनके आसपास कोई बड़ा क्रिएचर है कि नहीं और तभी इनकी बोट से कुछ टकराता है और एक बार फिर से केली पानी में गिर जाती है। लेकिन हैंक किसी तरह से उसे पानी के ऊपर खींच लेता है, जिसके बाद ये प्रोफेसर हेक्टर को भी वापस बुला लेते हैं। इन्हें इस जगह पर खतरा महसूस होता है, इसीलिए बोट लेकर किनारे पर आ जाते हैं। पानी में अब भी स्पीकर होता है जो इनके साथ आया हुआ एक पुलिस ऑफिसर खींच रहा होता है और तभी पानी से क्रोकोडाइल निकलता है और उस पुलिस ऑफिसर को मार
मार देता है। देखने के बाद सब के सब डर जाते हैं और अब इस सब के सब किनारे पर आ चुके हैं। इससे पहले कि ये संभलते, यहाँ पर एक जंगली भालू आता है जो इनके ऊपर हमला कर देता है। पर इससे पहले कि वो जंगली भालू इन्हें मारता, पानी से वही जायंट क्रोकोडाइल निकलता है और उस भालू को पकड़कर अपने साथ खींचकर लेक के अंदर ले जाता है। और अब इन सब ने उस विशाल क्रोकोडाइल को देख लिया है जिसकी लंबाई 30 फीट से भी ज्यादा है। आज से पहले इनमें से किसी ने भी इतने बड़े क्रोकोडाइल को नहीं देखा। यहाँ पर जो प्रोफेसर होता है वो कहता है कि हमें इस क्रोकोडाइल को नहीं मारना चाहिए बल्कि इसे किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ देना चाहिए, ऐसे जीव बहुत कम बचे हैं। ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर हैंक को गुस्सा आता और वो उसे एक पंच मारता है क्योंकि वो उस क्रोकोडाइल को बचाने की कोशिश कर रहा है जिसने कई लोगों को मारा है। अगली सुबह जंगल में क्रोकोडाइल के पैरों के निशान देखते हैं और उन निशानों का पीछा करते हुए ये सब के सब उसी बूढ़ी औरत के घर के बाहर पहुंच जाते हैं जिसने कहा था कि 3 साल पहले उसने अपने पति को मार दिया था क्योंकि उन्हें मुक्ति चाहिए थी। और अभी छुप कर देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत एक भैंस की आंखों में पट्टी बांधकर उसे झील के किनारे ले जाती है और तभी वहां पर वो जाइंट क्रोकोडाइल आता है और वो उस जानवर को खा जाता है। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि इस लेडी ने ऐसा क्यों किया और इसके बाद ये उस लेडी के घर जाते हैं और उससे क्रोकोडाइल के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि आज से 6 साल पहले ये क्रोकोडाइल मेरे पति के पीछे घर तक आ गया था, तब ये इतना बड़ा नहीं था और मेरे पति ने इस क्रोकोडाइल को पाल लिया। 2 साल पहले जब मेरे पति की मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु का कारण भी यही क्रोकोडाइल था और अब इस बूढ़ी लेडी को घर पर हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि इसने पुलिस से झूठ कहा था। और अब प्रोफेसर हेक्टर तय करते हैं कि एक बार फिर से वो उस जगह जाएंगे जहां पर वो क्रोकोडाइल रहता है, इसीलिए वो यहां के डिप्यूटी के हेलीकॉप्टर में उस जगह पहुंच जाते हैं और इसके बाद प्रोफेसर वहां पर स्कूबा डाइविंग करते हैं और कुछ ही देर बाद उनके सामने वो 30 फुट से भी लंबा क्रोकोडाइल आ जाता है। वो पानी में पूरी तरह से शांत खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने हलचल की तो ये क्रोकोडाइल उन्हें मार देगा। और उस क्रोकोडाइल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर वो एक राफ्ट को खोल देते हैं जिसको खोलते उसमें हवा भर जाती है जिससे क्रोकोडाइल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हेक्टर जल्दी से हेलीकॉप्टर के ऊपर आ जाता है पर हेलीकॉप्टर को क्रोकोडाइल पकड़ लेता है। इसीलिए हेलीकॉप्टर में जो लेडी पुलिस ऑफिसर होती है वो गोली चलाती है जिस वजह से वो उनका हेलीकॉप्टर छोड़ देता और इस तरह से इनकी जान बच जाती है। लेक के किनारे आने के बाद जैक और हैंक तय करते हैं कि वो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स को बुलाएंगे और इस क्रोकोडाइल को मार देंगे। पर प्रोफेसर हेक्टर ऐसा नहीं चाहता, वो इस क्रोकोडाइल के ऊपर शोध करना चाहता है, इसीलिए वो सबको कन्विंस कर लेता है कि हम किसी भी तरह से लालच देकर इस क्रोकोडाइल को बाहर बुलाएंगे और इसके बाद इसे बेहोश करके पकड़ लेंगे। जैक इस फेवर में तो नहीं होता लेकिन फिलहाल वो उसकी बात मान जाता है और अब ये उसी बूढ़ी औरत के जानवर को यहाँ पर ले आते हैं जिसने इस क्रोकोडाइल को पाला था और उसे हेलीकॉप्टर से बांधकर ये झील के किनारे लटका देते हैं ताकि उस मगरमच्छ को जब ये पता चले कि यहाँ पर उसका चारा उसका खाना रखा हुआ है तो वो उसे खाने के लिए यहाँ पर आए। लेकिन पूरा दिन गुजरने के बाद भी वो क्रोकोडाइल वो मगरमच्छ यहाँ पर नहीं आता और रात होने पर ये देखते हैं कि रडार में कोई बहुत बड़ा जानवर इन्हीं की तरफ आ रहा है। ये समझ जाते हैं कि क्रोकोडाइल अब जल्दी किनारे पर आने वाला है और कुछ ही देर बाद क्रोकोडाइल वहां पर उस जानवर को खाने के लिए आ जाता है। वो उस पर हमला करता है। जानवर क्योंकि हेलीकॉप्टर से बंधा हुआ होता है इसीलिए जब वो उस जानवर को खींचता है तो हेलीकॉप्टर भी पानी में क्रैश होकर गिर जाता है। हेक्टर हेलीकॉप्टर के ऊपर फंस चुका है, भागने की कोशिश करता है लेकिन उसे क्रोकोडाइल बाहर निकलने नहीं देता और अब झील के किनारे से सब के सब क्रोकोडाइल को बेहोश करने की कोशिश करते हैं। क्रोकोडाइल भी इन्हें मारने के लिए इन पर हमला करने के लिए झील से बाहर आ जाता है और जब वो इन पर हमला कर रहा होता है तभी उसकी पूंछ से कैली टकराती है और वो झील में गिर जाती है। क्रोकोडाइल उसे देख लेता और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता कैली यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर झील में क्रैश हुआ होता है जिस पर अब भी हेक्टर होता है वो उस तक पहुंच जाती है। अभी दोनों के दोनों उस हेलीकॉप्टर के ऊपर है। क्रोकोडाइल जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है वो हेलीकॉप्टर को पकड़कर झील के अंदर खींचना शुरू कर देता है लेकिन उसे बहुत सारे बेहोशी के इंजेक्शन लग चुके हैं और दवा का असर अब होना शुरू हो जाता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। जैक उसे मारना चाहता है लेकिन हेक्टर कहता है कि इसे मारने की अब कोई जरूरत नहीं है, हमारा काम पूरा हो चुका है, बेहोश हो चुका है। और तभी एक और विशाल क्रोकोडाइल उस पर हमला कर देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि झील में एक नहीं बल्कि 2 क्रोकोडाइल है, ये एक जोड़ा है। हेक्टर को वो क्रोकोडाइल खींच कर अपनी तरफ ले जा रहा होता है लेकिन किसी तरह से हेक्टर को खींच कर बाहर निकाल लेते हैं और इसके बाद हैंक उस क्रोकोडाइल को गोली मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है।
अब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ ऑफिसर भी आ जाता है और जब वो देखता है कि वहाँ पर वो 30 फुट से भी लंबा क्रोकोडाइल बेहोश है तो वो इस बेहोश क्रोकोडाइल को इस जगह से अपने ट्रक में बांध कर किसी अनजान लोकेशन पर ले जाते हैं और इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है। इस घटना के एक हफ्ते बाद दिखाया जाता है उसी बूढ़ी औरत को जिसने उस क्रोकोडाइल को पाला था और वो एक बार फिर से झील के लेक के किनारे बैठी होती है और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स होते हैं जो उन्हीं विशाल क्रोकोडाइल्स के बच्चे हैं और ये बूढ़ी औरत उन्हें खाना खिला रही होती है, यानी कि अभी भी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। ये बूढ़ी औरत इन बच्चों को पालेगी और एक दिन ये भी खूंखार विशाल क्रोकोडाइल्स बन जाएंगे। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 1999 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।